ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये कितनी गहरी है इसकी वानगी पर बुधवार को देखने को मिली। मौका था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आगमन से पहले तैयारियों को लेकर ली गई स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पूर्ण हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गांधी परिवार के खास माने जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ अन्य दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान गहलोत पायलट के बीच न तो किसी तरह की कोई बात हुई, न ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे से नजरें तक भी नहीं मिलाई। यही नहीं, बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही सचिन पायलट वहां से रवाना हो गए। हालांकि पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत सचिन पायलट को मध्य प्रदेश पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शिरकत करनी थी, इस कारण वे जल्दी रवाना हो गए। तो वहीं सियासी जानकार आपसी खींचतान के रूप में भी इसे देख रहे हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाए गए वॉर रूम में बुलाई गई बैठक में सुबह 11:30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए, लेकिन सीएम अशोक गहलोत दोपहर 12:30 बजे इस बैठक में पहुंचे। बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे, तभी पायलट के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हो गए। यही नहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ अन्य नेताओं ने सचिन पायलट का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन पायलट ने कोई रिएक्शन न देते हुए केवल अपनी सीट पर खड़े हो गए। इस बीच सीएम गहलोत कुर्सी के पास पहुंचे और इधर उधर देखते हुए बैठ गए। इस दरमियान एक बारगी सचिन पायलट ने गहलोत को देखा जरूर, लेकिन नजरों के बीच की दूरियां बरकरार रही। दोनों नेता बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गए और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक पर चर्चा शुरू हो गई। दोनों नेताओं के साथ एक साथ मिलने और सियासी दूरियों की चर्चा मीटिंग कक्ष से निकलकर सियासी गलियारों में दिन भर बनी रही। दोनों नेता करीब 58 दिन बाद एक साथ जो दिखे थे। खैर, बैठक शुरू होने के महज आधे घंटे बाद ही सचिन पायलट भंवर जितेंद्र सिंह के साथ वहां से निकल गए। लेकिन सचिन पायलट का जल्दी आना और जल्दी जाना प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सचिन पायलट का मध्य प्रदेश जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, इसी कारण सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बैठक से जल्दी निकल गए। वहीं इस बैठक में तय किया गया कि समन्वय समिति के सदस्य 25 नवंबर को राजस्थान में मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक के 557 किलोमीटर रूट का जायजा लेंगे। लेकिन बैठक से बाहर निकले सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और राजस्थान में यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। सचिन पायलट ने कहा कि मैं समझता हूं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम सद्भावना प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना, जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है, जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियाँ हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान को यात्रा आए और यहाँ से नया आगाज होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे। वहीं गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के विरोध के ऐलान से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पे सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरे
ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना। हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।